हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं विशीत, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशीत। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे पुराना ख़राब एलईडी बल्ब को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जो पुराना एलईडी है, ये एलईडी को हम खोल लेंगे और ये जो आपका पीएफ और कैपेसिटर है इनको हम खोल के फेंक देंगे, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो नया एलईडी है ये हम खरीद के लेके आया, ये मेरा पास 20 रुपया लिया, मेरा घर गांव में है इसलिए ज़्यादा ले लिया। आपका अगर शहर में घर है तो ये आपको 10-12 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए कैसे लगाना है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इन और एल दिया है, पॉइंट दिया है, ध्यान से देखिएगा। एल और एन, देखिए इन और एल दिया है, एल और एन। आप एक वो जो वायर है आपका, जो मेन जो वायर है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर लगा देना है। एक वायर को इन में और एक वायर को एल में लगाना है, ऐसा करके लगाना है। और ये जो एलईडी आप देख रहे हैं, जो नया एलईडी है, ये लेकिन आपका मैच नहीं करेगा वहाँ पर लगाने से, वो लूज हो जाएगा, इसलिए जो पुराना एलईडी है इनका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम इनका जो कैपेसिटर और पीएफ है इनका हम खोल लेंगे। देखिए हमने खोल लिया कैपेसिटर और पीएफ को, और ये जो बोर्ड है ये यहाँ से अच्छा से बैठ जाएगा क्योंकि इनका ही बोर्ड है ये। और ये जो छोटा एलईडी है नया, इनको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये एलईडी, पुराना जो एलईडी है, ये सिर्फ ये जो नया एलईडी है इनको लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो दो होल करना है, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो वायर है वो निकलेगा। देखिए ऐसे ही बैठा गया, इनको हम देखिए यहाँ से ये जो वायर है वो निकलेगा। फ्रेंड्स, आप अगर इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही होगा इलेक्ट्रिक का काम बहुत रिस्क का काम होता है। देखिए अभी हम इनको सोल्डरिंग कर देंगे, ढलाई कर देंगे। एल और एन में फ्रेंड्स, कोई भी एक वायर को एल में और कोई भी एक वायर को एल में लगा देना है, पूरा डायरेक्ट लगाना है और कुछ नहीं। आप चाहेंगे तो कोई भी कलर लगा सकते हैं। एलईडी जो है ये मेरा सबुज कलर का है, ग्रीन कलर का। आप चाहेंगे तो रेड कलर का व नहीं तो वाइट कलर का भी लगा सकते हैं। देखिए हमने सोल्डरिंग कर दिया दोनों पॉइंट में, एल और एन में। इसके अंदर, इसके बीच में कुछ बोर्ड वगैरह नहीं होगा, ये पूरा डायरेक्ट होगा। उसके बाद आपको ये बैठा देना होगा यहाँ पर। देखिए ये अच्छे से बैठ जाएगा, कुछ लूज वगैरह नहीं होगा। देखिए अच्छे से बैठ गया, वो गिरेगा नहीं। देखिए चलिए इसको हम जला के दिखाते हैं आपको। देखिए ग्रीन कलर का जो सबुज कलर का जल रहा है। आप चाहेंगे तो इनको आप रेड कलर का भी लगा सकते हैं, एलईडी बल्ब रेड कलर का देके, व्हाइट कलर भी होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही।